हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर सनाउल्लाह जमाली। आज मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ अबाउट सम लाइंस व्हिच आई हैव रेड फ्रॉम अ बुक। देर आर कोटेड एज इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू एवर मेक। इट डज नॉट इम्प्रूव योर लाइफ बट इट आल्सो इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पीपल सराउंडिंग योर सेल्फ। तो अपने आप में कुछ टाइम इन्वेस्ट करना, डेली वक्त देना अपने आप के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। ये हमारी लाइफ्स को बहुत इम्प्रूव करता है, हमारी लाइफ्स को भी और हमारा जो फैमिली होता है, जो जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उन पे भी इस टाइम का बहुत बड़ा इम्पेक्ट होता है। हमने देखा है कि हम क्या करते हैं फ्री टाइम में, अपना फ्री टाइम में हम सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे, रील पे या यूट्यूब पे हम अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, पर हम अपने हेल्थ पे या पीस ऑफ माइंड पे या सुकून के लिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करते डेली बेसिस पे जो हमारी लाइफ को इम्प्रूव करे। हम अपना मैक्सिमम, कुछ कुछ लोग होते हैं वो अपने प्रोफेशनली अपने बुक्स पढ़ते हैं या प्रोफेशन से रिलेटेड वो मेहनत भी करते हैं, लेकिन उससे हट के वो कुछ भी नहीं करते। जब उनके पास फ्री टाइम होता है तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते। देखें, वी डोंट नो के हाउ मच टाइम वी हैव, किसी की भी लाइफ का कोई भी पता नहीं। सो इट डज नॉट मीन कि आप अगर अपना प्रोफेशन में हो तो सिर्फ 24 घंटे उस प्रोफेशन के लिए ही मेहनत करो, बल्कि आपको उस प्रोफेशन के लिए भी मेहनत करना चाहिए और अपने हैप्पीनेस के लिए भी मेहनत करना चाहिए। लिव एज इफ इट इज़ योर लास्ट डे, हमेशा ऐसे जियो जैसे वो आपका आखिरी दिन है। आप अपने फ्यूचर के लिए भी मेहनत करते रहो और अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली की खुशी के लिए, उसके लिए भी जियो। हम अपना फ्री टाइम जो है ना वो हम सोशल मीडिया चलाने में, रील्स देखने में पता नहीं घंटे के घंटे हम वेस्ट कर देते हैं। यूट्यूब पे हम वेस्ट कर देते हैं या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे या टिकटॉक पे हम वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो गेम्स एडिक्टेड होते हैं तो फिर वो गेम्स में अपना फुल टाइम वेस्ट कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बाहर होटलों पे बैठ के पॉलिटिक्स पे कचहरी कर रहे होते हैं या ऐसे ही गॉसिप्स में अपना घंटों का घंटा वेस्ट कर देते हैं, बट दे डू नॉट डू एनीथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर लिव्स। अगर हम डेली अपना थोड़ा टाइम निकाल के अपने आपके साथ बैठें और थोड़ा अपने माइंड को शांत करने के लिए मेडिटेशन कर लें, जस्ट अपने ब्रीथ पे फोकस करें या जस्ट अपने हम नोट करें कि हमारे अपने माइंड के अंदर कौन से थॉट्स चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसे हम फिनिश कैसे करें ताकि हमारा माइंड जो है पीसफुल बन सके। या अगर हम अपना एक्सरसाइज उस थोड़े टाइम में कर लें ताकि हमारी हेल्थ, फिजिकल फिटनेस जो है वो इम्प्रूव हो। अगर हम फिजिकली फिट नहीं होंगे तो हम मेंटली फिट नहीं हो सकते। दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और अगर हम कोई ऐसा चीज़ कर लें जिससे हमें खुशी मिले, जिससे हमें नुकसान नहीं हो। ये सोशल मीडिया एप्स जो हैं इनसे हमें नुकसान होता है लॉन्ग टर्म में, ये हमें एडिक्टेड बना देती हैं, फिर हम अपना प्रोफेशनल वर्क भी सही से नहीं कर पाते। और दूसरी बात, इनमें हम इतना एडिक्टेड हो जाते हैं, ये एज लाइक ड्रग्स होते हैं, जैसे ड्रग्स हैं उतना एडिक्टिव, उससे भी कहीं ज़्यादा ये सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो हैं वो एडिक्टिव होते हैं। तो दीज आर नॉट बेनिफिशियल फॉर अस, बल्कि अगर वो हम टाइम थोड़ा सा अपने एक्सरसाइज पे या अच्छी डाइट पे या अच्छे लोगों के साथ प्रोडक्टिव बातें करके हम गुजारें तो हमारा लाइफ बहुत मर्तबा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। पर नहीं, हम फिर से इन्हीं एप्लीकेशंस में या इन्हीं पॉलिटिक्स पे, मैं बहुत मर्तबा देखा है कि लोग होटलों पे बैठ के पॉलिटिक्स पे बातें कर रहे होते हैं। भाई आपको क्या मिलेगा? मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि वो जो एक घंटा दो घंटा वो आपस में लड़ते हैं, उन्हें एट द एंड ऑफ देयर गॉसिप उन्हें मिलता क्या है, उन्हें फ़ायदा क्या होता है? लेकिन ऐसे ही वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और कुछ भी नहीं करते, घर जाके फैमिली के साथ लड़ाई, उस चीज़ पे लड़ाई, इस चीज़ पे लड़ाई। भाई आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ करो या अपने हैप्पीनेस के लिए, आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कुछ करो, अपने फिजिकल फिटनेस के लिए कुछ करो, लेकिन नहीं, दे डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ दैट थिंग्स। सो ये जो लाइन मैंने आज पढ़े, इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू विल एवर मेक। इट विल नॉट इम्प्रूव योर लाइफ
बट इट विल ऑल्सो इम्प्रूव लिव्स ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर अराउंड यू। अगर आप फिजिकली फिट होगे, अगर आप मेंटली पीस में होगे, हैप्पीनेस होगी आपकी लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें आप अपने फैमिली के साथ भी उनको भी फ़ायदा होगा। कैसे, अगर आप ही खुश नहीं होगे तो आप कैसे दूसरों को खुश रख सकते हो? अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कैसे आप दूसरे किसी को, किसी इंसान को प्यार कर सकते हो? तो फर्स्टली, अगर सपोज़ कोई प्रॉब्लम हो गया है फैमिली के अंदर, ठीक है, अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, फिजिकली फिट नहीं हो, आपका हेल्थ सही नहीं है, तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सो अगर आप फिट हो तो आपका इम्पैक्ट जो है, आप अगर आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूव लाओगे तो उसका इम्पैक्ट जो है आपकी फैमिली पे, आपके सराउंडिंग जो लोग हैं उन पे भी होगा। सो डिसाइड डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे जो आप टाइम वेस्ट कर देते हो उसे प्रोडक्टिव कैसे बनाना है, और कैसे आप अपने बेटरमेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कैसे आप उस टाइम को यूज कर सकते हो। आई होप फ्रॉम दिस वीडियो यू विल गेट समथिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।